हाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पिंपल वाली स्किन पे फेशियल, सॉरी कौन सा फेशियल करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ये पिंपल वाली स्किन के लिए, ये नंदिनी का ये पुदीना मिंट फेशियल। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना कि अगर दूर से भी देखो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। अगर आप रख भी दोगे ना और यहाँ से देखो, जैसे बंद करोगे ना ऐसे इसकी कैप को, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है ये। और ये है ना स्पेशली दानों वाली स्किन के लिए, वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और गर्मियों में तो जैसे बेस्ट है, बेस्ट गर्मियों के लिए स्पेशली। बट ये आप कभी भी करवा सकते हैं, भले विंटर में या किसी भी मौसम में, बट गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली जिनकी स्किन पे दाने वगैरह होते हैं, मुझे अभी ना ये पता नहीं आप लोगों को दिख रहे होंगे कि नहीं, ये देखो मुझे पतले पतले दाने हो रहे हैं ये, और मेरे फेस पे देखो पिगमेंटेशन भी है, देखो आप लोग। और मुझे ना ये मैं से टच कर रही हूँ ना तो मुझे फील हो रहे हैं बिल्कुल पतले पतले से, ये देखो ये स्पॉट तो है ही लेकिन दाने भी हैं। तो मैंने सोचा आपको मैं ये करके दिखाऊंगी आज कि कैसे फेशियल करते हैं इस वाली किट से। फेशियल तो नॉर्मली जैसे किया जाता है वैसे ही करते हैं, बट इस वाली किट का रिजल्ट कैसा ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखाऊँ, ये नंदिनी का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका फर्स्ट है, ये क्रीम है, ये पैक है, और ये है जेल, ये स्क्रब जेल है, ये स्क्रब है बट ये जेल है, दिखाती हूँ मैं आपको, दिखने में जेल है बट ये है स्क्रब। ऐसे इतनी मस्त ऐसे लग रहा है, बिल्कुल मिंट हो, बिल्कुल इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी। और ये इसका क्लींजर, फोर स्टेप है इसमें। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊं, कि जब हम फेशियल करेंगे ना तो हम स्टीमर भी यूज़ करेंगे स्पेशली विंटर्स में, और स्टीमर करना चाहिए यूज़, मतलब हमेशा नहीं लेकिन जब भी आप फेशियल करा रहे हो या हफ्ते 15 दिन में एक बार आपको स्टीम जरूर लेना चाहिए। तो ये मेरे पास स्टीमर है इस तरह का, आपके पास अगर स्टीमर नहीं हो तो आप वो पुराना वाला है ना वो नुक्सा की बाउल, उसमें किसी भगोने में या उसमें पानी लेके उसको गर्म करके और वो टॉवल वाले ऐसे टॉवल से ऐसे स्टीम देते हैं ना ऐसे, वो वाला भी कर सकते हो आप यूँ ऐसे करके, ठीक है। बट ये मेरे पास है तो मैं इससे इसी को यूज़ करूँगी। इसमें ऐसे बटन दिया हुआ है, आप ऐसे इसको ऑन करोगे तो अपने आप ये इसको प्लग डाल के गर्म हो जाएगा, स्टीम आएगी इससे। मैं इसको लगा देती हूँ, तब तक हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये कैप लगाऊँ बालों को पीछे कर दूँ ताकि ना कपड़े भी गंदे ना हो। मेरा फेस वैसे तो क्लीन ही है बट क्लींजर जरूरी है तो वो करेंगे हम। सबसे पहले ये क्लींजर है, ये नंदिनी का है, आप जो चाहे ले सकते हैं इस तरह से। ये स्पेशली जिसको दाने वगैरह होते हैं ना, या कोई लोग काफ़ी लोग कहते हैं ना मैं फेशियल सूट नहीं करता, दाने हैं स्किन पे, या स्पेशली जिसकी ऑयली स्किन होती है तो ऑयली स्किन वाले फेशियल नहीं करा सकते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशली। वैसे तो गर्मियों में ये कोई भी करवा सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट भी देगा। ये मैं अपने फेस को पहले क्लींजर से क्लीन करूँगी ना, पूरी डर्ट या मेकअप वगैरह जिसको लगाओ तो पूरा रिमूव हो जाए। आँखों पे ना आपको बिल्कुल लाइटली मसाज करनी है ना, बिल्कुल प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल लाइटली।
ये क्लींजिंग हो गई, अब मैं इसको क्लीन करूंगी। अब हम यूज करेंगे स्क्रब। इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना फेस पे, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी मस्त आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है पुदीना रख दिया हो। बहुत मस्त फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत बहुत अच्छी है यार। अच्छा अब हम स्क्रब कर रहे हैं ना, तो अब हम स्टीम भी ले लेंगे। क्या होता है जब हम स्टीम लेते हैं ना, तो हमारे ये पोर्स है ना जो ओपन हो जाते हैं, तो जब हम स्क्रब करते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से स्क्रब हो जाएगा ये। फ्रेंड्स ये देखो मैंने स्टीम ले ली इस तरह से, अब मैं इसको बंद करती हूँ। ये इस तरह से स्टीम आती है, इससे इस पर ये बटन है, ये बंद हो गया, ये बंद कर दिया मैंने। अब हम स्क्रब करेंगे लाइट, बिल्कुल स्क्रब भी हमें ज़्यादा हार्श हाथों से ऐसे ये नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल लाइट ही करना है ऐसे, है ना, वरना रैशेस दानों वाली स्किन पर तो वैसे ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए बिल्कुल लाइट हाथों से ही स्क्रब करें। वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है, और स्पेशली दानों वाली स्किन के लिए, क्योंकि इसमें मिंट है ना तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। और जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना हमें फेशियल सूट नहीं करता, क्लीन अप सूट नहीं करता, तो वो इस वाली फेशियल किट से करवा सकते हैं। चाहे तो पार्लर से करवा लें, चाहे तो अपनी किट खरीद के रख लें, तो वो खुद भी कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल मैं बिल्कुल, आपको लग रहा होगा कि प्रेशर दे रहे हैं, बट मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ, मैं बिल्कुल लाइटली ही कर रही हूँ। अच्छे से 2-3 मिनट स्क्रब करेंगे आँखों पे भी। यहाँ नोज पे ब्लैक हेड वगैरह होते हैं ना काफी लोगों को, वाइट हेड, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, है ना। मुझे वैसे ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है, कभी कभी वाइट हेड हो जाते हैं मुझे भी, बट फिलहाल कुछ नहीं है वाइट हेड, ब्लैक हेड कुछ नहीं है मुझे, ब्लैक हेड तो खैर नहीं ही है मुझे। अच्छा जब हम क्लींजिंग और स्क्रब करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा स्टेप नहीं देने होते, हमें सिर्फ यूँ सर्कल मोशन में इस तरह से राउंड करके ऐसे यूँ करना पड़ता। जब हम फेशियल से मसाज करते हैं ना, सॉरी क्रीम से मसाज करते हैं ना, तब हमें वो स्टेप देने पड़ते हैं। फेशियल से मसाज करते हैं कुछ भी, है ना, कुछ भी बोलती हूँ मैं, भूल जाती हूँ कभी कभी, माइंड मत किया करो। ये अच्छे से स्क्रब हो गया 2-3 मिनट। क्या जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, उनको क्या है किसी और के हाथ से जल्दी दाने वाने निकल आते हैं, तो अगर उनके लिए अच्छा होगा कि वो खुद से ही कर लें, या फिर किसी अच्छे पार्लर में जाके करवाएं। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैं ये वाला फेशियल अपने काफ़ी कस्टमर पे कर चुकी हूँ, उन पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आया है इसका। जिनके स्किन पे दाने नहीं थे, जिनकी स्किन ऑयली नहीं भी थी, उन पे भी इसका ग्लो बहुत अच्छा आया था। तारीफ भी की कस्टमर ने कि बहुत अच्छा ग्लो आया था, आपने ये वाला फेशियल किया था तो। फ्रेंड्स मैंने अब ये स्क्रब कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन कर लूँगी। ये मैंने क्लीन कर लिया, देखो आप क्लींजिंग से और स्क्रब से कितना अच्छा ग्लो आ गया है फेस पे। अच्छा जो मैंने स्टीमर अपना बंद कर दिया था ना, मैं उसे फिर से ऑन करती हूँ, क्योंकि जब हम क्रीम से मसाज करेंगे तो मैं फिर से एक बार स्टीम लूँगी, क्योंकि जब हम स्टीम लेते हैं तो हमारे पोर्स जो ओपन हो जाते हैं ना, तो हम कोई भी
प्रोडक्ट जब अपनी स्किन में डालते हैं तो वो डीपली अंदर तक जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा मैं आखिरी में ना आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगी। ये मसाज क्रीम है, अब इसको यूज करूंगी मैं। अब हम थोड़ी सी स्टीम फिर से ले लेंगे अपने फेस पे। ये मैंने स्टीम ले ली, अब मैं इसको फिर बंद करती हूँ और अब हम करेंगे अपना फेशियल। अच्छा एक बात और बताऊं, जो टीनेजर्स होती है ना लड़कियां या लड़के जो भी, उनको ज्यादा स्टेप देने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी चाहिए। और जो 25 के ऊपर होते हैं लड़के या लड़कियां जो भी, 25 के ऊपर जैसे और ज़्यादा 26, 30, 32 जो भी, तो वो अच्छे से फिर स्टेप देंगे। बाकी जो कम एज के हैं उन्हें ज़्यादा ये प्रेशर पॉइंट ये वो देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही मसाज करेंगे इस तरह से। और आँखों पे भी हमेशा ऐसे लाइटली करें, ज़्यादा प्रेशर ना दें। अब मैं आपको स्टेप दिखाऊंगी स्टेप कैसे करेंगे। तो स्टेप ये यूं करके, नेक पे आप मेकअप करें, फेशियल करें, स्किन केयर करें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी नेक को यहाँ तक के हिस्से को बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि फिर ये हिस्सा अलग लगता है, ये अलग लगता है, तो वो एक जैसा लगना चाहिए। जो बड़ी एज के होते हैं ना वो ऐसे प्रेशर पॉइंट दबाते हैं ऐसे, ताकि ये वाला है ना ये सेट करती है ना जिनकी स्किन, तो उसके लिए होता है ये ऐसे, यहाँ पे सैग ना करे। और ये यहाँ से जैसे सैग मेरी भी हो रही है थोड़ी, तो उसके लिए ऐसे थोड़ा सा टाइटली यूं करके इस तरह थोड़ा सा हल्का सा पानी लेंगे थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे भी रिंकल होते हैं ना, तो ये यहाँ पे यूं लाइटली, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल लाइटली यूं। जिसको डार्क सर्कल वगैरह होते हैं ना, तो ये फिर ये वाला स्किन वाइट हो जाती तो फिर ये ब्लैक ब्लैक ना दिखे, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा यूं करके, यूं जैसे सैग होती है ना स्किन, तो थोड़ा सा इसको यूं लिफ्ट करते हुए यूं, और फिर यूं लाइटली। यहाँ पे भी रिंकल सबसे पहले तो यहाँ पे ही आती हैं, फाइन लाइंस, ये लाइटली, बिल्कुल यू यू नहीं करना है कि स्किन पूरी सैग हो जाए, बिल्कुल लाइटली। थोड़ा सा पानी लिया हाथ में यूं, और यूं ये स्लिप होना चाहिए हाथ, यूं लाइटली, बिल्कुल यूं 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 नहीं करना कि पूरी यहाँ को आ जाए, सैग होने लगे उल्टा, यूं बिल्कुल लाइट सा यूं ऐसे लाइट, बिल्कुल लाइट।
उसके बाद यू, और यू करने के बाद यू, यहाँ पे नोज़ पे, और लास्ट में जब हम फेशियल कंप्लीट करने वाले होंगे तो यूं यूं करके यूं प्रेशर पॉइंट देंगे, यूं 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 यूं, ये पूरा इस तरह से हम कंप्लीट लास्ट करेंगे, है ना यू। अब हम करेंगे अपने फेस को क्लीन। फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे लास्ट पैक, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और पैक आप कभी भी लगाए ना तो यूं ऊपर की तरफ करके लगाया करें ताकि स्किन हमारी टाइट रहे और सैग ना करे। ये मैंने लगा लिया, और ये मैं हमेशा कभी भी मैं पैक लगाती हूँ ना जो क्ले वाला हो तो वो मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ और यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब हम फेशियल करते तो ये वाला एरिया ना अपन का डार्क डार्क दिखने लगता है, स्पेशली उनका जिनको डार्क सर्कल हो। और मुझे है, मुझे यहाँ पे नहीं है, मुझे यहाँ पे बहुत डार्क सर्कल है। ठीक है, अब ये सूख जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं इसको क्लीन करूंगी, फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है इस फेशियल से, और अभी भी पता है मेरा फेस पे इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना बिल्कुल। ये बहुत अच्छा फेशियल है, ये नंदिनी की फेशियल किट है, और इस पूरी फेशियल किट की प्राइस है 1000 रुपीस, 1000 रुपये, 250 का एक जार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।